नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए हिस्ट्री का लेक्चर नंबर हो जाएगा अपना 12। इससे पहले भी हमने 11 लेक्चर डाल रखे हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन भाई यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है हमारा जो हिस्ट्री यहां से स्टार्ट हुआ था गुलाम वंश से, है ना। गुलाम वंश के बाद हमने गुलाम खिलजी तुगलक देखा, उसके बाद सैयद वंश देखा, अब हम क्या देख रहे हैं, लोदी वंश देख रहे हैं ना। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक बताइएगा, अंतिम बताइएगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक की बात करें तो हो जाता है कैकुबाद। ठीक है, ये हमने पहला देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा, गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था, वह हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी। प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी, प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी, अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन खुसरो शाह या सुसरो शाह भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमने क्या देखा, तुगलक वंश, तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक कौन था, तो वह हो जाता है नसरुद्दीन महमूद शाह। कौन देखा था, नसरुद्दीन महमूद शाह। उसके बाद हमने क्या देखा, सैयद वंश, सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था, खिज खां, है ना। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था, खिज खां था। अंतिम शासक कौन था, आलम शाह, है ना, जिसको हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हम आए लोदी वंश की ओर, लोदी वंश का प्रथम शासक जो था बहलोल लोदी, उसके बारे में उसकी जीवनी हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हम कहां आ गए हैं, उसके पुत्र के यहां पर आ गए हैं। उसके पुत्र का नाम था निजाम खां, है ना। हाँ, सिकंदर लोदी का जो मूल नाम था वो क्या था, निजाम खां। ठीक है, तो अब हम कहां देखने वाले हैं, सिकंदर लोदी उर्फ निजाम खां के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो इसको करते हैं भाई अपने स्टार्ट। ठीक है, सारे के सारे हमने रिवाइज कर लिया एक बार, तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सिकंदर लोदी उर्फ निजाम खां, ध्यान रखना दोनों नाम याद रखना आपको, सिकंदर लोदी महानतम लोदी सुल्तान था, विवेचना कीजिए, या फिर सिकंदर लोदी के चरित्र तथा उपाधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, या इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सिकंदर लोदी के संबंध में आप क्या जानते हैं, उसका शासन प्रबंधन समझाइए। तो आपको पता है ये जो सिकंदर लोदी से क्वेश्चन होता है, ये इतने प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन को घुमा फिरा कर तीन प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की आंसर की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता रखा है, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, उत्तर। उत्तर के बाद हम बनाएंगे एक बॉक्स, क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम क्या लिखेंगे, प्रथम शासक लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी हो गया, प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध शासक कौन था वो भी हम पढ़ेंगे ही, सिकंदर लोदी और फिर निजाम खां। ठीक है, निजाम खां ये प्रसिद्ध शासक हो जाता है। उसके बाद अंतिम शासक, उसके बाद अंतिम शासक देखेंगे जो थे इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी किसके पुत्र थे, ये हो जाते हैं सिकंदर लोदी के पुत्र। ठीक है, उसके बाद कौन आ जाएगा, गुलाम वंश की स्थापना आ जाएगी। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना पानीपत 1526। ये हमें क्या है, जितना हमें इब्राहिम मतलब लोदी वंश के बारे में पता है उतना कहां लिखेंगे, हम इस बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, अब करेंगे उसके बाद स्टार्ट थ्योरी की ओर, क्योंकि अगर हम बॉक्स में लिख देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगी कि हाँ भाई इनने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है ना, कुछ ना कुछ ने आता है तो थ्योरी भी अच्छी लिखी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहली बात आप हेडिंग पर कुछ ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या डाल दिया, सबसे पहले हमने डाली बहलोल इब्राहिम लोदी, हमने हेडिंग क्या डाल दी भाई ऊपर, उत्तर के बाद हमने बॉक्स लगा दिया, बॉक्स के नीचे हमने डाली हेडिंग इब्राहिम लोदी। अब हम इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा पुत्र, ध्यान रखना उसका छोटा पुत्र था किसका, बहलोल लोदी जो लोदी वंश का प्रथम शासक था, उसका छोटा पुत्र निजाम खां अमीरों की सहायता से सिकंदर शाह के नाम से, देखो ध्यान रखना सिकंदर भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, सिकंदर लोदी भी कहते हैं और सिकंदर शाह भी इन्हें कहा जाता है। ध्यान रखना है कि सिकंदर शाह और सिकंदर लोदी कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं अमीरों जो कहां से आए थे, अफगान से आए थे, अमीरों की सहायता से सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। सिकंदर लोदी के नाम से क्या बना, ये दिल्ली का सुल्तान बना। सिकंदर की नीति के तीन आधार थे,
सिकंदर की जो नीतियां थी उनके कितने आधार थे, तीन आधार थे, इनको यहां पर हम देखने वाले। इतना कंफर्म हो गया ना आपको कि सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था, निजाम खां। सिकंदर लोदी नाम क्यों पड़ा, वह पड़ा अमीरों के कारण, जो कहां से आए थे, अफगान से, क्योंकि इसका जो पाप उसका जो पिता था बहलोल लोदी था वो कहां का रहने वाला था, निजाम का रह सॉरी अफगानिस्तान का रहने वाला था। कहां का, अफगानिस्तान का ये रहने वाला था बहलोल लोदी, ठीक है। और अमीरों जो थे ये भी कहां के थे, ये भी अफगानिस्तान के ही थे। अब बढ़ते हैं इनकी नीतियों की ओर। पहली नीति जो हो जाती है, जमींदारी प्रथा को लागू करना। जमींदारी प्रथा को लागू करना जो अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दी थी, ठीक है, इसको लागू रखना, तथा सुल्तान का स्वच्छंद मतलब स्वच्छ व्यवहार, अच्छा व्यवहार और निरंकुश होना, और निरंकुश होना एक ये हमारी हो जाती है नीति। आगे देखो, स्वच्छंद अमीरों का दमन करके, स्वच्छंद मतलब कह सकते हैं सहायता करके, है ना, मतलब अपने आप को स्वच्छ रख के अमीरों का दमन करके एक संगठित राज्य स्थापित करना, ये इसकी क्या हो जाती है, नीतियां हो जाती हैं, ठीक है। थीके? तो बिल्कुल आप इसे लिख सकते हो, नीति पहली क्या हो जाती है, जमींदारों प्रथा को लागू रखना, ठीक है। जो सैनिक वगैरह हैं उनको हम जमीन देंगे, पैसा नहीं देंगे, ठीक है, उस पर करो और खाओ और राज्य की रक्षा करो, एक तो ये हो जाता है। निरंकुशता का स्वच्छ और निरंकुश होना मतलब किसी पर भी एक प्रकार से कह सकते हैं शक नहीं करना, अच्छे प्रकार से देखभाल करना, दूसरी नीति ये हो जाती है सुल्तान की। और तीसरी नीति हो जाती है स्वच्छंद अमीरों के, अमीरों कहाँ से थे, अफगान से, और ये भी कहाँ का था, अफगानिस्तान का ही था, ठीक है। तो इसलिए अमीर जो थे इसको सपोर्ट करते थे, ठीक है, ये क्या करता था उनका दमन करके, उनको एक प्रकार से कह सकते हैं दबाकर, है ना, संगठित राज्य स्थापित करना चाहता था। इसकी तीन नीतियां यहां पर हो जाती हैं, आपको समझ में आ गया होगा। शासन की प्रमुख घटनाएं यहां पर हेडिंग डालेंगे, कौन सी, शासन की प्रमुख घटनाएं जो इसके शासन में घटी थी। तो पहली जो घटना हो जाती है वह हो जाती है, अपनी ध्यान से देखिएगा, जौनपुर की समस्या। कहा कि जौनपुर की समस्या सबसे पहले देखने को मिलती है किसके शासनकाल में, सिकंदर लोदी के उर्फ निजाम खान। जौनपुर से हुसैन शाह सरकी को निकालकर बहलोल ने अपने पुत्र, ध्यान रखना, अपने पुत्र बारबक्श शाह, कौन, बारबक्श शाह, सॉरी बारबक, बारबक्श शाह है, ठीक है, ध्यान रखना, बारबक्श शाह, ठीक है, बारबक्श शाह को जौनपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया। वहां का जो राज्य था जौनपुर का वो किसके अंडर हो गया, वो हो गया बारबक्श शाह का, ठीक है। हुसैन शाह सरकी के निकालकर, जौनपुर से हुसैन शाह सरकी को निकालकर बहलोल ने अपने पुत्र, मतलब ये किसका है, निजाम का ही भाई है, ध्यान रखो निजाम का ही भाई है बारबक्श शाह, ठीक है, बारबक्श शाह किसका भाई है, निजाम मतलब सिकंदर लोदी का ही भाई है, जिसे जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। बहलोल की मृत्यु के बाद बारबक्श शाह ने सुल्तान बनने की कोशिश की, क्योंकि सुल्तान कौन था, सुल्तान बन चुका था सिकंदर लोदी उर्फ निजाम खान की, और जौनपुर का स्वतंत्र शासन हो गया था। अतएव सिकंदर शाह को अपने भाई से युद्ध करना पड़ा, किसको युद्ध करना पड़ा है, बारबक्श शाह को, किससे, सिकंदर लोदी उर्फ निजाम खान से, दोनों भाई भाइयों में क्या हो गया, युद्ध हो गया, ठीक है। इसके उसने बारबक्श शाह को बंदी बनाकर जौनपुर पर अधिकार कर लिया, जो जौनपुर दिया था हुसैन शाह सरकी को निकालकर बहलोल लोदी ने, किसको, बारबक्श शाह अपने पुत्र को, वह किसने छीन लिया, अब छीन लिया सिकंदर लोदी ने उर्फ निजाम खां, जो बारबक्श शाह का भाई था, ठीक है। फिर देखा है कुछ अमीरों की सहायता से हुसैन शाह सरकी ने भी जौनपुर पर पुनः अधिकार करने की चेष्टा की। हुसैन शाह सरकी जो था, जो पहले जौनपुर का शासन था से छीन कर बारबक्श शाह को दिया गया था जौनपुर, अब क्या कर रहा है, हुसैन शाह सरकी ने दोबारा कोशिश की, चेष्टा की, किंतु उसको सफलता प्राप्त हो सकी, किंतु उसको सफलता प्राप्त हो सकी, भाई सफलता उसे यहां पर मिल गई। सिकंदर शाह जौनपुर का निरंकुश शासक हो गया।
उसके बाद जौनपुर का सिकंदर शाह जो था वो निरंकुश शासक हो गया, यहां पर उसके भाई का अधिकार हो गया सिकंदर शाह उर्फ सिकंदर लोदी उर्फ निजाम खां का, ठीक है। और जौनपुर में उसके द्वारा नियुक्त हुए अफसर शासन प्रबंध करने लगे। अब भी उसका शासन हो जाएगा तो वहां पर खुद तो नहीं जाएगा, अफसर लोग ही तो शासन करेंगे, तो वही शासन करने लगे। अब हो जाता है सिंधु के जमींदारों का दमन। जो सिंधु थे वहां के जमींदारों का यहां पर दमन आपको देखने को मिलता है। हेडिंग डालिएगा सिंधु के जमींदारों का दमन। जौनपुर विजय के बाद सुल्तान ने सिंधु के भूमिपतियों, जो सिंधु थी वहां के भूमिपतियों की शक्ति के पतन का निश्चय किया और उससे और उनसे भूमि का हिसाब मांगा। कहां से? जो सिंधु के जमींदार थे उनसे क्या मांगा? इसने भूमि का हिसाब मांगा। कुछ भूमिपतियों ने सुल्तान के भाई का पक्ष लेकर सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। इल्तु सुल्तान के भाई ने भूमिपतियों का साथ ना दिया, जो 12 बख्शा हो जाता है और भाई हो जाते हैं, उन्होंने क्या नहीं दिया? भाई वहां के जमींदार जो थे सिंधु के, उनका सहयोग नहीं दिया। फलतः उसका विद्रोह सफल ना हो सका। सुल्तान ने अत्यंत कठोरता के साथ सिंधु के भूमिपतियों का दमन किया, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो सिंधु के जमींदारों का दमन। आगे जो हेडिंग आप डालेंगे वो डालेंगे आगरा नगर की स्थापना। आपको पता है 1504 में किसने की थी? सिकंदर लोदी उर्फ सिकंदर शाह उर्फ निजाम खान ने, ठीक है। बात करते हैं ग्वालियर जौनपुर तथा इटावा आदि प्रदेशों के भूमिपतियों का पर आतंक जमाने के लिए सुल्तान ने एक स्थान पर सैनिक छावनी स्थापित की। देखो कहां कहां पर? ग्वालियर जौनपुर इटावा आदि जो पास के प्रदेश हो जाते हैं उनके भूमिपतियों पर आतंक जमाने के लिए, उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनसे कर वसूल करने के लिए एक स्थान पर सैनिक छावनी स्थापित की और सैनिकों के लिए भवनों का निर्णय सॉरी भवनों का निर्माण करवाया। क्योंकि छावनी जब बनाई जाएगी तो क्या होगा? भवनों का निर्माण तो होना ही है, ठीक है। तो भवनों का निर्माण कराया, यही स्थान वर्तमान में आगरा नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी नींव 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह लोदी सुल्तान ने डाली। निजाम निजाम खां भी देख सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसके निर्माण के अगले वर्ष ही एक भयंकर तूफान के कारण उसका बहुत सा भाग नष्ट हो गया। एक साल के बाद 1505 में क्या हुआ? बहुत भयंकर तूफान आया और जो वहां के बहुत सारे जो निर्माण किए गए थे, ठीक है, जो निर्माण कार्य किए गए थे भवनों में, वो क्या हो गए? टूट गए, नष्ट हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अन्य विजय तथा मृत्यु। इसने अन्य विजय की थी उनके बारे में देखेंगे। सुल्तान ने चंदेरी ग्वालियर आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और रणथंबोर पर भी आक्रमण किया किंतु सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। कहां पर? रणथंबोर में भी इसने आक्रमण किया था परंतु सफलता नहीं मिली। अंत में रोगग्रस्त होने के कारण दिसंबर 1517 ईस्वी में सुल्तान का जीवन लीला समाप्त हो गई। भाई 1517 में क्या हुआ? इसकी डेथ हो गई। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है सिकंदर लोदी उर्फ निजाम खान ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? 1504 में। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिकंदर का शासन प्रबंध। केंद्रीय सत्रा दृढ़ भी, ठीक है, कह सकते हैं। तो बात करते हैं सिकंदर का शासन प्रबंध, हम हेडिंग डालेंगे। अब हम इसके बारे में देखने वाले हैं। सुल्तान निरंकुश था, स्वेच्छाचारी शासन का समर्थक था। वह निरंकुश था, किसी से डरना डरता नहीं था तथा स्वेच्छाचारी मतलब स्वयं पर निर्भर था। किसी भी सेनापति, किसी भी कह सकते हैं मंत्रीगण पे कोई भी सहमत नहीं हुआ करता था, वो खुद की ही मानता था। स्वेच्छाचारी शासन का समर्थक था। उसने अपनी निरंकुशता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए थे। कौन कौन से किए थे? इनको देखने वाले हैं। पहला हो जाता है द्वैध प्रथा। इसने कौन सी चलाई थी भाई? द्वैध प्रथा चलाई थी। तो हम हेडिंग डालेंगे पहली जो निम्नलिखित प्रकार से काल हो जाता है सॉरी
निरंकुशता स्थापित करने के जो प्रबंध हो जाता है वो हो जाता है द्वेध प्रथा। ठीक है, अब यहां देखेंगे उसने अपने भाइयों पर नियंत्रण रखने के लिए उनको अफसरों के साथ कार्य करने पर नियुक्त किया। इस पर अपने भाइयों पर, क्योंकि आपको पता है जो बार बक्सहा था उसने क्या किया था, विद्रोह किया था, इसलिए निजाम खां उर्फ सिकंदर लोदी ने अपने भाइयों पर नियंत्रण रखने के लिए उनको अफसरों के साथ कार्य करने पर नियुक्त किया, जिससे अफसरों द्वारा सभी बातों की सूचना सुल्तान को मिल रही थी, है ना। यहां पर हो जाता है द्वेद प्रथा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, वो हो जाता है भूमि पत्तियों पर नियंत्रण, कि भूमि जो पति है, जो बड़े बड़े भूमि जमींदार हैं, उन पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो एक हेडिंग हमारी हो जाती है भूमि पत्तियों पर नियंत्रण। सुल्तान ने भूमि पत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए सैनिक छावनी स्थापित की और साहित्य की जांच के लिए अफसर नियुक्त किए, सॉरी हिसाब की जांच करने के लिए अफसर नियुक्त किए, सॉरी हिसाब होगा। ठीक है, बात करते हैं सुल्तान ने भूमि पत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए सैनिक छावनी स्थापित की, क्योंकि आपको पता है जमींदारों पर हिसाब रखने के लिए सिंध में क्या बनाई थी, आगर नगर की स्थापना की थी, वहां पर निर्माण किए थे और वहां पर क्या छावनी बनवाई थी, क्या छावनी बनवाई थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है एमसीक्यू कि ये बताइएगा सिकंदर लोदी ने छावनी कहां बनवाई, तो कहां पर, आगरा में। कब बनवाई, 1504 में। किसी प्रकार से घुमाकर पूछ सकता है, तो क्वेश्चन राइट होना चाहिए। और हिसाब की जांच करने के लिए अफसर नियुक्त किए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाती है गुप्तचर विभाग। इसने गुप्तचर विभाग का भी निर्माण करवाया। सिकंदर ने अपनी सत्ता दृढ़ रखने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जिससे सुल्तान को राज्य भर के सभी मामलों का ज्ञान रहता था। ठीक है, तो यहां पर गुप्तचर विभाग भी इसने चलाया था। नेक्स्ट हो जाता है कार्य की कठोरता। जो कार्य था उसमें कठोरता लाता था कि हमारा जो राज्य है वो कमजोर ना पड़े। सुल्तान प्रत्येक मामले की सूचना पाते ही तुरंत उसकी जांच करता था और बड़ी तत्परता से कार्य करता था, जिससे सुल्तान का आतंक छा गया था। तो कह सकते हैं कि सुल्तान के राज्य में, सिकंदर लोदी के राज्य में कोई भी राजद्रोह नहीं कर सकता था, है ना। बात करते हैं आगे, प्रांतीय शासन तथा लोक हित के कार्य। अब हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी, हेडिंग हमारी पड़ जाती है प्रांतीय शासन तथा लोक हित के कार्य। अब प्रांतीय शासन में लोक हित के कार्य क्या क्या देखने को मिले थे, इनको देखने वाले हैं। तो स्पष्ट हो जाता है सुल्तान अपने साम्राज्य के प्रदेशों का शासन प्रबंध करने के लिए अफसरों की नियुक्ति करता था और उनके साथ साथ अपने भाइयों तथा संबंधियों को नियुक्त किया करता था, क्योंकि जो प्रांत के लोक हित के कार्य थे उनमें साम्राज्य के जो अफसर थे उनको तो नियुक्त करता ही था, साथ में अपने भाइयों को भी भेजता था उसकी जांच के लिए। ठीक है, बात करते हैं दूसरा हो जाता है सुल्तान गरीबों का सदैव ध्यान रखता था। उसने सड़कों की मरम्मत करवाई और चोर डाकुओं से यात्रियों की रक्षा की। ये तो सभी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धर्म प्रभावित राज्य पर क्या फैक्ट पड़ा, इसको हम यहां पर देखने वाले हैं। देखा है सुल्तान ने अनेक गुणों को सम्मिश्रित था। सुल्तान जो था वो अनेक गुणों का सम्मिश्रित था, उसमें बहुत सारे गुण थे, किंतु सुल्तान में धार्मिक सहिष्णुता थी। तो धार्मिक असहिष्णुता है ना, असहिष्णुता मतलब वो धर्म के क्या करता था, हिंदू धर्म को वह नहीं मानता था, मुस्लिम धर्म को मानता था। ठीक है, वही हो जाती है धार्मिक असहिष्णुता। उसका शासन धर्म प्रभावित था, उसने हिंदुओं को कठोर दंड दिया, उसके मंदिरों को नष्ट कराकर मस्जिद बनवाई, यहां तक कि उसने मथुरा के हिंदुओं को यमुना घाट पर स्नान करने की आज्ञा नहीं दी थी। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 12, वो हो जाता है समाप्त। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने देखा सिकंदर लोदी उर्फ निजाम खां के बारे में। निजाम खां किसका पुत्र था, तो वह हो जाता है बहलो लोदी, जो लोदी वंश का था, प्रथम शासक। ठीक है भाई, उसके बाद उसका पुत्र
कौन था? बार बख्शहा, ध्यान रखना, बार बख्शहा और निजाम खां, ठीक है, दोनों के बीच युद्ध होता है, उसे जौनपुर का साम्राज्य बना देते हैं बारा बख्शहा के लिए, और ये क्या होता है, ये बन जाता है दिल्ली का शासक, ठीक है। उसके बाद में लड़ाई होती है, आप जानते हो, बाकी सारा हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार सभी गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी के बारे में आप प्रथम शासक और अंतिम शासक बिल्कुल कमेंट में लिखना ना भूलेगा। तो फ्रेंड लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।